नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में लैडल की मार्किंग कैसे की जाती है, उसका सेंटर पॉइंट एंड क्रॉस सेक्शन कैसे निकाला जाता है, इस बारे में डिस्कस की थी। एंड आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैडल में मैनुअली तरीके से लैडल, टुंडिस एंड स्लाई गेट का मेजरमेंट लेकर स्लाई गेट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो 1% भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, मैंने इस चैनल पर मैकेनिकल से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी है जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रैक्टिकली मेजरमेंट से स्लाई गेट को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, पहला तरीका है, आप टुंडिस को दोनों स्टैंड के सेंटर में लेकर गेज कर लें। जिस प्रकार आप कास्टिंग लेने से पहले नोजल को लगाकर सेंटर करते हैं, उसके बाद लैडल को स्टैंड पर अपनी जगह सेट कर लें। फिर किसी पलम डोरी से टुंडिस के उस पॉइंट को टारगेट करें जहां हमारा टुंडिस पैड लगता है, उसके सेंटर पॉइंट पे। क्योंकि दोस्तों, हमारे लैडल नोजल से जो लिक्विड मेटल गिरता है वो पैड के सेंटर पॉइंट पे ही गिरता है। किसी किसी प्लांट में टुंडिस साइज मिसिंग होने पर या स्पेस कम होने पर स्टॉपर को आगे पीछे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सेंटर पॉइंट आगे पीछे भी हो जाता है। उसके बाद जहां आपका सेंटर पॉइंट मिल रहा है वहां पर पेंसिल से मार्किंग करके सेंटर पंच मार लें और लैडल को नीचे लेकर पलटी मार दें। उस सेंटर पॉइंट पे स्लाई गेट की जो रिंग है उसका साइज चेक करके कटर से डिवाइडर को सेट करके कट करके रिंग को वेल्ड करा दें। उसके बाद अपने स्लाई गेट को सेट करके फ्रेम को वेल्ड करा दें। लेकिन दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस को करने से पहले आप लोग एक चीज़ और भी ध्यान दें कि आपका जो ब्रैकेट होता है जिसमें हमारा सिलेंडर लगता है, उसको ये देख लें कि वो प्रॉपर तरीके से उसमें सिलेंडर लग रहा है या फंस रहा है। अगर दोस्तों सिलेंडर फंसने के चांसेस हैं तो आपने जो रिंग सिलेंडर की मार्किंग की है उसको 10-20 mm आगे पीछे आप ले सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और दोस्तों, अगर आप लोग किसी न्यू प्लांट में हैं, उसमें अभी कमीशनिंग हिट नहीं ली गई है, आपका लैडल न्यू है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अगर जो आपने जो सेंटर निकाला है उस सेंटर से रिंग सेंटर समथिंग 300 से 400 mm होना चाहिए। और अगर 300 से 400 mm के बीच में है तो ठीक है, अब अगर प्लस हो रहा है या ज़्यादा माइनस हो रहा है तो आप एक बार अपने स्टॉपर को ज़रूर चेक कर लें कि वो प्रॉपर तरीके से सेट किया गया है, वेल्डिंग है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी स्टॉपर को प्रॉपर वेल्डिंग नहीं किया जाता है, उसको टाका मार के छोड़ दिया जाता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसको आगे पीछे ले सकें। तो आप लोग ये मिसिंग ना करें कि स्टॉपर को विदाउट चेक किए हुए आप लोग लैडल का सेंटर निकाल लें और बाद में पता चले कि स्टॉपर अपनी जगह पर सेट नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान दें। हालांकि दोस्तों, 10 टन से 15 टन के लैडल में 300 mm से लेके 400 mm तक समथिंग हमारे लैडल के सेंटर से रिंग का सेंटर होता है। आप लोग इस ड्राइंग में भी देख सकते हैं, इस ड्राइंग में भी 300 mm के आसपास दिखाया है, 300 mm। अब दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इसकी वेल्डिंग के लिए जो आप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं वो 70-18 की होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, 70-18 की जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होती है उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और ये हीट रेजिस्टेंस होती है। इसकी जो वेल्डिंग होती है वो हीट में क्रैक फ्री वेल्डिंग प्रोवाइड कराती है, यानी कि हीटिंग वाली जगह पे इसकी वेल्डिंग क्रैक नहीं होती है। एंड 70-18 की रॉड का आप लोग जब भी यूज करें तो उसे ओवन में डालकर पहले हीट कर लें फिर वेल्डिंग करें। अगर आपके पास ओवन की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप किसी 3 इंच के पाइप को 400 mm पे कट करके वन साइड से डमी कर लें और रॉड को उसमें डालकर कटिंग टॉर्च से जनरली नॉर्मल हीट करके फिर यूज करें। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो दोस्तों, बटम की क्रॉस मार्किंग करने के बाद स्लाई गेट को रख कर बेस फ्रेम एंड रिंग की मार्किंग कर लें। उसके बाद रिंग का जो सेंटर निकल के आया है आपके पास, उस रिंग वहाँ पे आपको रिंग की जो साइज है उसको मेजर कर लें
और कटर में डिवाइडर लगाकर होल मार दें और वहाँ पर अपने सिलाई गेट के बेस फ्रेम को भी सेट कर लें। उसका मेजरमेंट ले लें कि आपके सिलाई गेट का साइज़ क्या है, 1QC का है या 2QC की है, उस मशीन का साइज़ क्या है, वो कितने mm का है, उसको चेक कर लें और सेंटर से दोनों साइड में मार्किंग कर लें और सिलाई गेट को वहाँ पे फिक्स करके एक बार मिला लें और मिलाने के बाद उसके फ्रेम को वेल्ड करा दें। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिकली तरीके से सिलाई गेट इंस्टॉल करने का तरीका। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि लैडल, टोंडिस और सिलाई गेट का मेजरमेंट लेके सिलाई गेट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ड्राइंग की मदद से सिलाई गेट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो हमारे चैनल पर बने रहें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।